एलविश यादव की जो गर्लफ्रेंड है फाइनली भाई उनका फेस जो है वो रिवील हो चुका है। आखिर कैसे बातें सामने आ रही है और कहां से तस्वीरें लीक हुई है और किसने ये तस्वीरें लीक की हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। आपको बता दूं कि एलविश यादव जो कि भाई इस समय एक बोलते हैं ना कि सक्सेस का स्वाद चख रहे हैं, जिस तरीके से वो बिग बॉस जीते और उसके बाद जिस मतलब उसके बाद ही ओवरऑल अगर देखा जाए, ऐसा नहीं है क्योंकि भाई फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा मतलब कम थी क्योंकि उसके पहले भी लोग उनको जानते थे, बस ये हुआ कि बिग बॉस जीतने के बाद एलविश जो है एक हाउस होल्ड नेम बने और उनके फैन फॉलोइंग में और भी ज़्यादा लोग बढ़ गए। लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि भाई बिग बॉस जीतने के बाद एलविश को म्यूजिक वीडियो मिलना शुरू हो गया, वेब सीरीज़ मिली है, उन्होंने बताया रियलिटी शो करने वाले हैं कोई, और उसी के साथ साथ अपने ब्लॉग में कितनी बारी चीज़ बोलते हुए पाए गए कि भाई मेरी जो पंजाब वाली गर्लफ्रेंड है उसको पसंद नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर आए या फिर बातचीत करे। लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोगों ने बहुत बोलते हैं ना कि बताया गया कि भाई एलविश जो है इस बातों में झूठ बोल रहे हैं या बातें घुमा रहे हैं। फिर बीच में कीर्ति मेहरा का नाम आया, कीर्ति मेहरा पहले एलविश के साथ थी लेकिन अभी ऑल ऑफ सडन दोनों ने ही अपने सेपरेशन का रीज़न जो ऑलरेडी बता दिया है कि साथ में नहीं है और साथ में नहीं हो सकते हैं। और एलविश ने भी बहुत सारे लोगों का बोल बश किया ये कहते हुए कि आप जिसका भी इंटरव्यू देख के आ रहे हो बता दूं कि उसके साथ कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस समय एलविश जो है वो चंडीगढ़ के लिए फ्लाई कर रहे हैं, उनका एक गाना आने वाला है छोरे हरियाणा वाले गाड़ देंगे लट, तो उस गाने की शूट के लिए जाने वाले हैं। लेकिन उसी दौरान एक रील देख रहे थे वो किसी की, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हो ये तस्वीर है, रील देख रहे थे वो किसी की, तो और उसी रील का भाई किसी ने स्क्रीनशॉट लेके बहुत शेयर कर दिया है ये कहते हुए कि ये एलविश यादव की गर्लफ्रेंड है और एलविश भाई ने आज फाइनली रिवील कर दिया। तो इस तरीके की बातें हो रही है और बहुत सारे लोग इस पर बोलते हैं ना कि यकीन भी कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई ये फेक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।